इस क्लिप में मैं एक रिमोट नेटवर्क से कनेक्ट हूँ और यहाँ पे मैं वीपीएन को कॉन्फ़िगर करता हूँ। कनेक्ट टू वर्क प्लेस, नेक्स्ट करता हूँ वीपीएन। नेक्स्ट करता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड मैं बाद में डालता हूँ। अभी डाल लेता हूँ। इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं अभी कनेक्ट नहीं होना चाह रहा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा इस सिस्टम पर। डोंट कनेक्ट, नेक्स्ट करता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ। क्रिएट करता हूँ और क्लोज करता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने चेंज अडाप्टर पर और यहाँ पर वीपीएन पे राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेटवर्किंग पे जाता हूँ और यहाँ पर IPv4 सेट करने के बाद प्रॉपर्टी और एडवांस, और इस चेक बॉक्स को अनचेक करता हूँ। अगर ये चेक बॉक्स यहाँ पे चेक रहे और मैं वीपीएन को कनेक्ट कर लूँ तो मेरा वीपीएन जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा, सॉरी वीपीएन तो कनेक्ट हो जाएगा लेकिन इंटरनेट जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा। तब मैं अगर इसको डायल करूं वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये मुख्तलिफ कनेक्शन जो है ट्राई कर रहा है, SSTP, क्योंकि SSTP जो मैंने डिसेबल किया हुआ है अभी PPTP पे ट्राई कर रहा है। रजिस्टरिंग योर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, तो इसी तरह जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो गया है वीपीएन से। आप देखेंगे कि मुझे दो आईपी एड्रेस मिलेंगी, sorry 18, और ये मेरा डोमेन है। अगर मैं किसी शेयर को एक्सेस करूं DC1 तो ये मुझे एक्सेस हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है एक्सेस हो गया है। यहाँ पे मैं कोई फाइल वगैरह क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं इंटरनेट कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं इंटरनेट जो है वो लोकल सिस्टम को यूज़ करते हुए यूज कर रहा हूँ।
इसके अलावा अगर मैं वीपीएन को डिसकनेक्ट करता हूँ और आप चाहते हैं कि वीपीएन जो है मेरा तेज़ी से कनेक्ट हो, मतलब इसने काफ़ी टाइम लिया है, इसको मैं डिसकनेक्ट करता हूँ और एक बार फिर कॉन्फ़िगर करता हूँ इसको, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और सिक्योरिटी में मैं अपना कोई और चीज़ भी दिखाता हूँ। किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन कनेक्ट है वीपीएन से। एनीवे ऑटोमेटिक की बजाय अगर हम पीपीटी पे कर लें तो ये पीपीटी पे पर ही ट्राई करेगा, और चैप जो है चैप पर जर्मन हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसको अनचेक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब अगर मैं ट्राई करूँ तो मेरा वीपीएन जो है वो जल्दी कनेक्ट होना चाहिए, ये पहली दफ़ा पर ही पीपीटी पे ये ट्राई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा, मतलब ये वीपीएन का कनेक्शन जो है थोड़ा फास्ट होगा। डिसकनेक्ट करता हूँ, इसी दौरान अगर मैं अपने सर्वर पे आऊँ और यहाँ पर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को ओपन करूँ, और यहाँ से लेट्स सपोज मैं भी कनेक्ट हूँ और मैं अपने इस सर्वर को देखता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ एक यूज़र जो है वो कनेक्ट है और यूज़र का नाम है अली। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट करना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करने के बाद इस पर मैं डिसकनेक्ट कर सकता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ज़ीरो कनेक्टर। दूसरी सूरत में अगर मैं अपने इस पर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। अगर मैं ये डोमेन का ऑप्शन यहाँ से हटाता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि कनेक्ट होता है कि नहीं। हो गया है, मुझे ये डायलॉग बॉक्स भी आ गया है और उसको मैं कहता हूँ कि मैं वर्क नेटवर्क पर हूँ। अगर मैं अपने सर्वर पे आऊँ और रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक यूज़र जो है मुझे मेरा कनेक्ट हो चुका है। दूसरी सूरत में अगर मैं अपने शेयर को एक्सेस करूं तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने शेयर्स को भी एक्सेस कर सकता हूं। एक बार फिर मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूं यहां से, आपने डिसकनेक्ट करना है तो आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं यहां से। आपने देख लिया इमीडिएट इफेक्ट कि ये यहाँ से भी डिसकनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल से अपना वीपीएन सर्वर जो है वो ट्राई करते हैं।